नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें, किन दिनों लालू परिवार पर और लालू परिवार के करीबियों पर लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अब पटना से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जमकर निशाना साधा है और साफ साफ कह रहे हैं कि जो ये लालू परिवार कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा ये सब करवाया जा रहा है, तो उनको हम बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव पर केस हुआ था तो देवगौड़ा की सरकार थी और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ही थे उस टाइम, और समर्थन भी इन्होंने ही दिया था। और भी क्या कुछ कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना सांसद रविशंकर प्रसाद, आप देखिए इस वीडियो में। आज लालू प्रसाद के परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है और उनके सहयोगियों के ऊपर भी रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है, तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था, जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे, उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था, लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये कब हुआ, जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है। बाद में अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को, ताकि देश के सामने ये सच्चाई दोबारा आए। लालू जी रेल मंत्री थे तो दो महत्वपूर्ण घोटाले हुए, मैंने महत्वपूर्ण कहा और भी होंगे, रांची में रेलवे का होटल था, बड़ा होटल था, भुवनेश्वर में भी रेलवे का होटल था। ये सब बिल्कुल एलिजिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके पटना की एक होटल चलाने वाली कंपनी को दे दिया गया और दूसरे कोई पार्टिसिपेट किए भी नहीं टेंडर में, और जिसको दिया गया उसकी 3 एकड़ से ऊपर की प्राइम जमीन थी पटना के बिली रोड पर सगुना मोड़ के पास, करोड़ों करोड़ रुपए की। ये जमीन बाद में कंपनी बना करके लालू प्रसाद के परिवार को ट्रांसफर कर दी गई उस सदस्य, और उसमें बिहार का सबसे बड़ा माल कौन बना रहे थे, श्रीमान अबू दोजाना जो आरजेडी के पूर्व विधायक है। तो अभी आपने देखा जो पटना से सांसद है और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने साफ साफ कहा कि जब लालू प्रसाद यादव पर केस हुआ था तो देवगौड़ा की सरकार थी और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ही थे और समर्थन भी इन्होंने ही दिया था। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब लालू प्रसाद यादव रेलवे में नौकरी देने के बदले कई जगह होटल और कई जगह जो जमीन होता है वो अपने नाम भी करवाए थे, और वहीं अबू दोजाना के बारे में भी बोल रहे रविशंकर प्रसाद, और क्या कुछ कर अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।